हाफ पार्ट ऑफ द इंटायर किडनी इज इनफ फॉर सस्टेनिंग लाइफ. तो इसके सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं, आए आए तक मालूम होता किडनी फेल हो गई, डॉक्टर साहब डायलिसिस पे लगा देने वाले हैं. सौ में से 44 विल टेल यू कि बिकॉज ऑफ हाई शुगर मैं कंट्रोल नहीं करता था डॉक्टर साहब, मेरी किडनी फेल हो गई, मैं डायलिसिस पे हूँ. तो 44%. अनदर 29 विल टेल यू भाई मेरा बीपी बहुत हाई रहता था, मैं गोलियां नहीं खाता था, मेरा कुछ भी नहीं होता था, मैं अचार शौक से खाता था, आज जो है मैं डायलिसिस मशीन पे हूँ. बाकी के लोग बोलेंगे कि मैं पेन किलर्स खाती हूँ, ज्यादा लेडीज में रहता हुआ इशू हुआ, कॉमन प्रिवलेंस है पेन किलर्स खाने का. सो चेक योर फंक्शन, मैं चेकिंग EGFR, चेक CUE फॉर प्रोटीन लीक, चेक योर स्ट्रक्चर, मैं डूइंग एन अल्ट्रासाउंड. किडनी किलर इज डायबिटीज, नंबर टू किडनी किलर इज हाइपरटेंशन, ये दोनों चेक करना. लेकिन जो एडिक्शन अभी सोसाइटी को खा रहा वो एनर्जी ड्रिंक्स का एडिक्शन है, रेड बुल, स्टिंग, हेल, मॉन्स्टर और वेप करना और हुक्का, अजीब किस्म के एडिक्शन से मार्केट में जो आ रहे हैं. दिस ऑल आर पोटेंशियल किडनी पॉइजन, दे कैन डैमेज किडनीज. सो वो तीन टाइम गोश्त खा रहे हैं, तलावा खा रहे हैं, वो कल्याणी बिरयानी अब तहारी बिदर की फेमस जो है खा रहे हैं, ये सुबह शाम खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाता अपने को, इवेंचुअली कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता. सो एवरी डे 1 or 2 फ्रूट्स पर डे वेजिटेबल्स विल प्रिवेंट लॉट ऑफ डिजीजेस, नॉट ओनली किडनी डिजीज. जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना ज़्यादा किडनी को चांस मिलेगा टॉक्सिन्स को पानी में मिक्स करके डिजॉल्व करके यूरिन में निकालने का चांस मिलेगा. तो आपकी बॉडी में पॉइजन कम रहेगा, टॉक्सिन्स कम रहेंगे, यू विल फील हेल्थियर, योर स्किन विल ग्लो. सो एवरी डे एटलीस्ट 3 liters तो पीने की कोशिश करना. Here we have his father and I welcome them all to Shaheen Degree College. First and most important thing is that how many organs are there in the body. So these are the 5 vital organs. Ye sab vital organs mein sabse important thing hai ki they don't have any replacement except the kidneys. Fortunately, as science is progressing, we are having newer technology coming in the place which can do the work of an organ. But there is no technology which can replace your brain. ब्रेन का रिप्लेसमेंट है क्या, AI है क्या, नहीं है, उन्हें भी इमोशंस नहीं है उसमें. तो देर इज़ नो ब्रेन रिप्लेसमेंट, देर इज़ नो हार्ट रिप्लेसमेंट, लंग्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, लिवर का नहीं है, पर किडनी का पार्शियल रिप्लेसमेंट इज देयर, बट दैट कम्स विद अ प्राइस टू पे, सो वी नीड टू सेव गार्ड इट. सो वी विल डिस्कस दिस स्टेप बाई स्टेप. सो दिस इज द जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट. 2 kidneys are usually there. Every 1,000 child who is born in this world has only 1 kidney. और अपने को body को sustain करने के लिए एक kidney का सिर्फ आधा हिस्सा चाहिए. That's enough for sustaining life. That's how efficient the kidney is. क्यों extra 1.5 है ऊपर वाले को पता है, but so 2 kidneys है, इसमें से छोटा सा ट्यूब निकलता एंड दे गो इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. एंड किडनीज आर हैविंग अ पेक्यूलियर शेप, दे आर कॉल्ड बीन शेप्ड ऑर्गन्स. सो हमारे जो सीनियर्स थे, जो हमारे प्रेडेसेसर्स थे, जो साइंस को स्टडी करे, जो मेडिसिन को बनाए एंड इसके प्रिंसिपल्स जो है फाउंड करे, दे यूज टू स्टडी साइंस बाय लुकिंग इट इन आवर डे टू डू लाइफ. तो अपन भी जो पढ़ेंगे ना, सब कुछ इस तरह पढ़ना कि इट शुड बी एप्लीकेबल टू अस इन आवर डे टू डे लाइफ. खाली बाय हार्ट कर रहे हैं, ये ऐसा है वैसा है, दैट इज नॉट रेलेवेंट, यू विल एंड अप फॉरगेटिंग इट. इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड बाय कोरिलेटिंग इट विथ थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ. सो दैट्स हाउ आवर प्रेडिसेसर स्टडीड साइंस. एंड किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन. और एक चीज रहती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं, यहाँ पे 2 छोटा ग्लैंड रहते हैं, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट. खाली मेल्स में रहता, वो क्या शेप का है, कुछ आइडिया है क्या? वॉलनट शेप्ड है. सो किडनी का साइज कितना रहता? इट्स रफली 10 centimeters लॉन्ग, 5 centimeters वाइड.
ये किडनी का डायमेंशंस है एंड उसका वेट रफली 150 ग्राम्स रहता, थोड़ा ऊपर नीचे मेल्स फीमेल्स में ज़रा फ़र्क रहता। एंड किडनी का लोकेशन कैसा है, इसका एड्रेस कैसा है, शाइन ग्रुप बोले तो सीधा बिदर से पे लेफ्ट लेके आ जाओ बोले तो शाइन ग्रुप मिल जा रहा, उसी तरह किडनी का एड्रेस जो है रेट्रोपेरिटोनियम में है, इट इज़ इन द बॉडी इन फ्रंट ऑफ आवर स्पाइन, बैक साइड में रहता, स्टमक के पीछे रहता। एंड इसका जो हाइट है इट इज़ डिवाइडेड लाइक दिस, सो T12 to L3, लंबार में 5 रहते, टी में 12 रहते और ऊपर सर्वाइकल रहता, सर्वाइकल में कितना रहता 7, फैंटास्टिक्स। तो किडनी दिखती कैसा, किडनी बाहर निकाल लिया सीधा कट करके बाहर निकाल के रख दिया तो किडनी ऐसा दिखती, एक्सरे स्टमक का लिए तो यहाँ पे किडनी दिखती और अल्ट्रासाउंड करे तो किडनी ऐसा दिखती एंड सीटी स्कैन करे तो किडनी ऐसा दिखती। दीज आर द 4 वेज वी कैन लुक एट द किडनी। एमआरआई भी एक तरीका है देखने का बट इट इज वेरी कॉस्टली, नॉट डन रूटीनली। एंड किडनी को 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट मिलता, मतलब हार्ट जितना भी पंप करता पूरे बॉडी में 20% सिर्फ किडनी को जाता, जिसका वेट है 150 ग्राम्स। तो पर ग्राम ऑफ टिश्यू जितना ब्लड किडनी को मिलता किसी भी ऑर्गन को नहीं मिलता। क्यों इतना प्रायोरिटी है, क्यों इतना प्रिफरेंस है किडनी को, बिकॉज किडनी मेंटेन्स द बॉडी का अनसाइट का एटमॉस्फियर, इसको यूरिमिक मिल्यू बोलते हैं, इसको कंट्रोल रखता किडनी। अगर ये ज्यादा हो गया तो हर ऑर्गन को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके बोले तो होमियोस्टेसिस बोलते हैं। व्हाट इज होमियोस्टेसिस, वी विल डिस्कस इट शॉर्टली। तो किडनी का पर्पस क्या है, जो पर्पस की मीनिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस इज बट किडनी इज क्रिएटेड फॉर समथिंग वेरी स्पेशल। सो इट पर्पस ऑफ फैक्ट्री अगर अपन देखेंगे तो फैक्ट्री का पर्पस नहीं है ये पोल्यूशन क्रिएट करना, हवा में वो डालना, पानी में, नदियों में जो है ये पोल्यूशन छोड़ना, ये फैक्ट्री का पर्पस नहीं है। फैक्ट्री का पर्पस इज टू मेक अ रिफाइंड प्रोडक्ट, टू मेक गुड मशीनरीज, जो भी है फैक्ट्री का एक पर्पस है विच इज नॉट क्रिएटिंग पोल्यूशन। उसी तरह किडनीज का पर्पस इज नॉट मेकिंग यूरिन, यूरिन इज अ बाई प्रोडक्ट, यूरिन इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट। किडनीज डू अ मेजर थिंग दैट इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। बॉडी का सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन योर किडनी। अगर आप आईसीयू में कोई आपके पहचानने वाले एडमिट हो गए तो उनका सर्वाइवल बचते नहीं बचते बोले तो उनके किडनीज कैसा है पूछना पड़ता। किडनीज अच्छे है तो चांसेस बचने के ज्यादा रहते, किडनीज इफेक्ट है सर्वाइवल का चांस कम हो जाता। सो होमियोस्टेसिस कैसा करता किडनी, डज बाय 3 थिंग्स। किडनी फिल्टर्स 180 लीटर्स ऑफ ब्लड इन 24 आवर्स पर मिनट, 120 ml पर मिनट। इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जो कुछ भी ब्लड यहाँ से फिल्टर होता इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, दैट इज रफली 120 ml पर मिनट, टोटल सोरन 180 लीटर्स पर डे। 180 फिल्टर कर लिए तो उतना यूरिन आ गया तो पूरा खत्म, पूरा पानी खत्म हो जाता है बॉडी का। तो वही किडनी इट रीअब्सॉर्ब्स 178.5 लीटर्स। ये फिल्टर करना, वापस लेना, इसमें कई सारे रेगुलेशंस करती है किडनी, कैल्शियम मेंटेन करना, पोटेशियम मेंटेन करना, मैग्नीशियम मेंटेन करना, सोडियम मेंटेन करना, सो मेनी इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मिनरल्स किडनी रेगुलेट करती एंड फाइनली यूरिन आता 1.5 लीटर्स। ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं पता है आपको, नेफ्रॉन, फैंटास्टिक, दैट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द किडनी या फिर द फंक्शनल यूनिट। फंक्शन यूनिट ऑफ लंग क्या है, लंग एल्वियोलाई, ऑसम, वेरी नाइस, गुड, अच्छे हैं बच्चे। तो किडनी के फंक्शंस क्या क्या है, एक निमोनिक याद, इट्स इंपॉर्टेंट ऑलवेज रिमेंबर निमोनिक्स, निमोनिक्स याद रखे तो यू विल नॉट फॉरगेट मेनी ऑफ द थिंग्स, सो दैट्स हाउ आई अप्लाई। एंड किडनी का फंक्शंस के निमोनिक है, जैसे अपन अभी देख लिया कि इट इज नॉट जस्ट मेकिंग यूरिन, दैट्स अ बाई प्रोडक्ट। किडनी मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस, इट मेंटेन्स द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। सोचे समझे बगैर 5 लीटर पी लेते, सोचे समझे बगैर पानी कभी नहीं पीते रमजान में, बट किडनी रेगुलेट्स द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो भी अपन खा लेते इसका वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते, जो कुछ चाहिए बॉडी लेती, जो कुछ नहीं चाहिए बॉडी इसको निकाल देती किडनीज के थ्रू, किडनीज रेगुलेट दैट। किडनी कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द हार्ट, इट्स अल्टीमेट द किडनी। बॉडी में अगर पानी कम हो गया, बीपी लो हो जाता, किडनी रेगुलेट करती है इसको बाय प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन कॉल्ड
हार्मोन रिलीज करती है किडनी, कुछ नाम आता है आपको उसका, रेनिन, प्रोड्यूसेस रेनिन एंड इट प्रोड्यूसेस एरिथ्रोपोइटिन ऑल्सो. सो एरिथ्रोपोइटिन, कितना भी आप जो है आयरन ले लो, वाइटामिन B12 ले लो, फोलिक एसिड डाल लो बॉडी के अंदर, खून जब तक बन नहीं सकता जब तक किडनी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं करती. एंड किडनी ऑल्सो कंट्रोल्स द विटामिन डी मेटाबॉलिज्म. धूप में जाके बैठ जा रहे हैं, काले हो जा रहे हैं, अफ्रीकन दिख रहे हैं, लेकिन बट स्टिल आपके बोन्स में ताकत जब तक नहीं आएगी जब तक किडनी इसको प्रोसेस करके कैल्सिट्रॉल नहीं बनाएगी. सो दीज आर द 7 फंक्शंस ऑफ किडनी. अ वेट बेड, इफ यू रिमेंबर दिस यू विल रिमेंबर 7 किडनी के फंक्शंस क्या है. वो तो 7 बोल देना सीधा सीधा, एटलीस्ट 5 तो बोलना कम से कम गिरी हुई हालत में. सो किडनी हैज मेनी फंक्शंस अपार्ट फ्रॉम मेकिंग यूरिन. नेफ्रोलॉजी में, नेफ्रोलॉजी इज द आर्ट और इट इज द स्पेशलाइजेशन इन टू वॉट अ नेफ्रॉन डज. सो अभी अपन देखे नेफ्रॉन 180 लीटर्स की फिल्ट्रेशन रीअब्सॉर्प्शन पे ही हम लोग फोकस्ड रहते हैं और इसमें कई सारे डिजीजेज रहते हैं. एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिजीज विच वी विल टॉक अबाउट टुडे इज क्रॉनिक किडनी डिजीज, CKD. CKD is a disease which has a lot of implications to our future, which we will discuss through. Chronic matlab something from a long time. And nephrology mein chronic is anything more than 3 months is chronic. And agar kisi ko fever hai, chronic fever hai bole to anything more than 2 days becomes chronic. Aur gastroenterology mein liver problem hai usme chronic bole to anything more than 6 months becomes chronic. To chronic ka definition is different in various places. Nephrology mein 3 months hai. Anything which is more than 3 months for us is permanent or chronic. And chronic kidney means there is something wrong in the kidney. Either uska structure kharab ho gaya या उसका फंक्शन जो 7 डिस्कस करे वो कुछ ख़राब हो जा रहे. सो दैट इज़ क्रॉनिक किडनी एंड डिजीज मींस इम्प्लीकेशन टू हेल्थ. अब किडनी में छोटा सिस्ट आ गया, दैट इज़ नथिंग टू डू, दैट हैज़ नो हेल्थ इम्प्लीकेशन. सो इट इज़ नॉट अ CKD. 50 ईयर्स के ऊपर हाफ द पॉपुलेशन हैज़ 1 सिस्ट इन द किडनी विच इज़ एसिम्प्टोमेटिक एंड एब्सोल्युटली नॉर्मल. CKD का प्रेवलेंस कितना है, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टडी विच शोज अस दैट CKD का प्रेवलेंस इज 17.2%. तो अगर आपके पास 15 लाख पॉपुलेशन है तो रफली 2 लाख लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है बिदर डिस्ट्रिक्ट में. ये किडनी डिजीज का प्रेवलेंस है और ऐसी वैसी डिजीज नहीं है, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज है जो प्रॉब्लम 3 महीने से ज्यादा रह रहा किसी को, विच हैज इम्प्लीकेशन टू हेल्थ, ये इसका प्रेवलेंस है. हैदराबाद में 1 करोड़ लोग रहते, 17 लाख लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है. जस्ट दैट दे डोंट नो, दे नेवर चेक्ड इट. और जैसा हमको बताया स्टार्टिंग में, हाफ पार्ट ऑफ द इंटायर किडनी इज इनफ फॉर सस्टेनिंग लाइफ. तो इसके सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं, आए आए तक मालूम होता किडनी फेल हो गई, डॉक्टर साहब डायलिसिस पे लगा देने वाले हैं. सुने होंगे आप लोगों के खानदान में, इतनी कॉमन होगी डिजीज, 17% है. एंड ये सब का मोस्ट कॉमन कॉज इज डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन. अगर अपन शुगर BP कंट्रोल में रखेंगे, ये दिन कभी आता नहीं था, बट कंट्रोल में नहीं रखे, मेरी शुगर 400 रहती, कुछ भी नहीं होता मेरे को, फाइनली डायलिसिस मशीन पे लेटे हुए हैं. सो इट इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज विथ नो क्योर. सो एज द GFR डिक्रीजेस द CKD स्टेज ऑल्सो प्रोग्रेसेस. एंड जस्ट टू सिंप्लीफाई, ये कि आपका नॉर्मल GFR 120 रहता, जैसा कम होते होते रहा किडनी डिजीज सीवियर होते रहती, इवेंचुअली GFR लेस देन 15 मीन्स किडनी हैज फेल्ड, अब जो है काम नहीं कर सकती, इट सीजिंग टू हेल्प यू सर्वाइव. तो ब्लड को साफ करना पड़ता विद हेल्प ऑफ एन आर्टिफिशियल मशीन कॉल्ड डायलिसिस, या फिर कोई किडनी दिए तो लगा लेना पड़ता है एज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसप्लांट. तो किडनी डिजीज का कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज, एनी डायलिसिस यूनिट में आप चले गए, 100 मशीन पे लगे हुए, 100 पेशेंट्स लेटे हुए डायलिसिस पे है, किडनीज कहीं को फेल हो गए डायलिसिस पे, क्यों है आप, तो 100 में से 44 विल टेल यू कि बिकॉज ऑफ हाई शुगर मैं कंट्रोल नहीं करता था डॉक्टर साहब, मेरी किडनी फेल हो गई, मैं डायलिसिस पे हूँ. तो 44%. अनदर 29 विल टेल यू भाई मेरा BP बहुत हाई रहता था, मैं गोलियां नहीं खाता था, मेरा कुछ भी नहीं होता था, मैं अचार शौक से खाता था, आज जो है मैं डायलिसिस मशीन पे हूँ. बाकी के लोग बोलेंगे कि मैं पेन किलर्स खाती हूँ, ज़्यादा लेडीज़ में रहता हुआ इशू हुआ, सुबह से बच्चों को स्कूल भिजा के, फिर हस्बैंड को भिजा के, फिर पका के, फिर धो के, फिर शाम में अगेन जो है सबको देख के, फिर सीरियल देख के 12 बजे पेन किलर खा के सोते. तो ये कॉमन प्रेवलेंस है पेन किलर्स खाने का. तो 90% ऑफ द डिजीजेस होना ही नहीं था कभी, ओवर स्पीडिंग करके टक्कर कर लिया,
So this is 100% preventable disease. जो nephrology के pure diseases है जिसमें nephrologist fight करता वो 7% है. इसमें IgA nephropathy, minimal change disease, FSGS, membranous nephropathy, कई सारे बीमारियां हैं. 1.6% are those which we really can't treat. They are genetic. They eventually reach dialysis. So prevention is more important. ये क्यूर के वास्ते कितना भी दाल लेते जाओ मिलेगा नहीं. प्रिवेंशन करेंगे ये प्रॉब्लम कभी आएगा नहीं, वो गली में कभी जाएंगे नहीं, वो खर्च चुकाने की जरूरत नहीं रहती. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू प्रिवेंट किडनी डिजीज. इसके जो है जस्ट टू एंड दैट थिंग कि CKD का मैनेजमेंट इज नथिंग मोर दैट एट वन टाइम दैट पर्टिकुलर गाय हु गेट्स अ CKD इज गोइंग टू नीड किडनी रिप्लेसमेंट एट वन टाइम. जब CKD हो जाता आपके नेफ्रॉन्स खराब हो जाते 60-70, जब नेफ्रॉन्स डाई हो जाते रिमेनिंग 30 पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाता. हालांकि आप कितना भी लोड कम करो, कितना भी लो प्रोटीन डाइट लो, कितना भी डाइट मैनेजमेंट करने की कोशिश करो, दोज नेफ्रॉन्स विल स्टार्ट फेलिंग, दे विल स्टार्ट रिजाइनिंग एंड अ स्टेज विल कम व्हेन दे विल नीड ऑल टुगेदर न्यू नेफ्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसप्लांट और आर्टिफिशियल फॉर्म टू क्लीन द ब्लड कॉल्ड डायलिसिस. सो किडनी को हेल्थी रखने के लिए 8 गोल्डन रूल्स हैं. आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू नो दिस. टेल पीपल इन योर फैमिली, फॉलो देम, टेल योर फ्रेंड्स. देयर आर 8 गोल्डन रूल्स. फर्स्ट इज, जब तक आप चेक नहीं करेंगे मालूम पड़ेगा नहीं. इट स्टार्ट्स ओवर देयर. यू शुड नो वेदर यू हैव 2 किडनीज और 1 किडनी और पता नहीं हमको खुद किडनी का प्रॉब्लम है, हमारा क्रिएटिन कितना है, वी डोंट नो. सो किडनी के 3 चीज़ें रहते ऑलवेज. किडनी हैज 3 थिंग्स. फर्स्ट इज किडनी काम कैसा कर रही. वी गेट टू नो बाय चेकिंग EGFR. EGFR इज अ फार्मूला. डू अ ब्लड टेस्ट, चेक सीरम क्रिएटिनिन और उसको फार्मूला में डाले तो मिल जाता है कि किडनी 100 में से कितना काम कर रही. मोस्ट ऑफ यू विल हैव अ GFR ऑफ मोर देन 100. 120 है नॉर्मल. सो क्रिएटिनिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट. अभी सर टेबल को लगाए, हाथ लगाए, धूल दिख रही, बोले तो इसका मतलब पोछा मारने वाले बराबर पोछा नहीं मारे. उसी तरह किडनी पोछा नहीं मार रही ब्लड को, तो क्रिएटिनिन चेक करें, क्रिएटिनिन ज़्यादा आ रहा, किडनी वीक है. सो किडनी का फंक्शन क्रिएटिनिन से चेक होता. सेकेंड इज किडनी का फिल्टर कैसा. किडनी फिल्टर है आफ्टर ऑल. जैसा पानी पीने से पहले फिल्टर के थ्रू गुजारते हैं अपन लोग, कॉमनली देखिए उसमें मेश रहता. किडनी इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट, इट हैज़ फिल्टर. अगर वो फिल्टर के पोर्स बड़े हो गए, उसमें से प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो गया, सो दैट मीन्स कि आप एक किडनी का फिल्टर ख़राब हो रहा. दिस इज द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ किडनी. थर्ड एस्पेक्ट इज किडनी दिखने में कैसी है. ब्यूटीफुल है या गल गई उन्हें या क्या है, क्या हो गया उसमें, श्रिंक हो गई, बड़ी हो गई, फैल गई, स्टोन आ गया, मल्टीपल थिंग्स कैन बी देयर. सो जस्ट बाई डूइंग अल्ट्रासाउंड स्कैन वी कैन फाइंड आउट how the kidney looks like. So three things remember. This is the first rule. Check your kidneys at least once a year. Aapke birthday ke din check karo. So pata nahi next birthday kaisi rehti. So check it once. So check your function by checking EGFR. Check CUE for protein leak. Check your structure by doing an ultrasound. Second golden rule hai ki abhi jo apan discuss kare painkillers. गए मेडिकल पे सर में दर्द हो रहा, अरे भाई उसको नंबर होगा यार, वो आंखा जाके बताओ. लेकिन नहीं, पेन किलर खाना है, काम चलाना है. काम ज़्यादा कर रहे हैं तो उसी पर सुबह से रात तक जो है काम कर रहे हैं, थक जा रहे हैं, पेन किलर खा लेना रॉन्ग है. सो जाते हैं, रेस्ट करते, स्मार्ट है उन्होंने. सो लेकिन ये लेडीज़ नहीं करते, सुबह से शाम तक काम करते, घुटने में दर्द देता, कमर में दर्द. काम करेंगे तो थकेंगे आदमी. पेन किलर खाने की हैबिट है, अपने फैमिली में बहुत लोग रहते हैं, वो लोग को अलर्ट करना कि डोंट यूज़ पेन किलर्स. पेन किलर्स आर किडनी पॉइजन, अवॉइड देम. So, जिम जा रहे हैं, बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, पेन किलर खा ले रहेंगे, that doesn't make sense, no? So, थके एक्सरसाइज करे, थकते पेन होता है, उसका ट्रीटमेंट रेस्ट है. एंड थर्ड एंड फोर्थ गोल्डन रूल इज, अपन अभी देखे कि नंबर 1 किडनी किलर इज डायबिटीज, नंबर 2 किडनी किलर इज हाइपरटेंशन. ये दोनों चेक करना, दोनों बहुत सिंपल है. आपके पास 30 बेड हॉस्पिटल है, साल में एक बार तो जाके BP चेक कराना और साल में एक बार शुगर चेक कराना. जो 30 के ऊपर है लोगों का 2-3 महीने में एक बार कराना. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू चेक देम एंड कीप देम अंडर कंट्रोल. एडिक्शंस, बाय एडिक्शंस हीरोइन ये सब बहुत सारे हाई एंड ड्रग्स है, पता नहीं यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे लोग आजकल. लेकिन जो एडिक्शन अभी सोसाइटी को खा रहा वो एनर्जी ड्रिंक्स का एडिक्शन है. रेडबुल, स्टिंग, हेल, मॉन्स्टर और वेप करना और हुक्का, अजीब किस्म के एडिक्शन से मार्केट में जो आ रहे हैं. दिस ऑल आर पोटेंशियल किडनी पॉइजन्स. दे कैन डैमेज किडनीज.
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करना है अपने को एटलीस्ट डेली 30। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि मेरा स्कूल बड़ा है मैं पूरा चल रहा हूँ, साहब जो है बता दे रहे हैं घड़ी मेरी एप्पल वॉच है देखो 10,000 स्टेप्स चल लिया मैं। 10,000 स्टेप्स पूरे चलना पूरे डे में इंपॉर्टेंट होगा अपनी जगह, बट एट वन टाइम एक्सरसाइज करना टू मेक योर हार्ट रेट एटलीस्ट 200 माइनस एज वहाँ तक रीच करना वो इंपॉर्टेंट है। इससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता, कहीं ब्लड क्लॉग हो जा रहा, क्लॉट हो जा रहा, उसको प्रिवेंट करता हो। यंग पीपल डाइंग टुडे, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप योर ब्लड मूविंग। सो एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है अपने को एवरी डे, स्पेशली दोज अबव 30, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थी डाइट, सो डाइट, हेल्थी डाइट क्या है? एवरीबडी हैज अ कॉन्सेप्ट। इंडिया में खासतौर से साउथ इंडिया में तो एक हेल्थी डाइट ही है हमारी। हमारी लो प्रोटीन डाइट है, हमारी लो ऑयल डाइट है, हमारे डाइट में प्रोटीन्स है, नारियल पानी, मल्टीपल चीज़ें हैं। वी ऑल नो व्हाट इज हेल्थी डाइट, बस एक कल्चर को फॉलो करना है। सो वो तीन टाइम गोश्त खा रहे हैं, तलावा खा रहे हैं, वो कल्याणी बिरयानी अब तहारी बिदर की फेमस जो है खा रहे हैं, ये सुबह शाम खाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाता अपने को, इवेंचुअली कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता। सो एवरी डे 1 or 2 फ्रूट्स पर डे, वेजिटेबल्स विल प्रिवेंट लॉट ऑफ डिजीजेस, नॉट ओनली किडनी डिजीज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, किडनी की बात हो रही तो पानी भी पीना है, तो इतना पानी पीना कि आपका यूरिन वाइट कलर का आना, ये इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा किडनी को चांस मिलेगा टॉक्सिन्स को पानी में मिक्स करके डिसॉल्व करके यूरिन में निकालने का चांस मिलेगा। तो आपकी बॉडी में पॉइजन कम रहेगा, टॉक्सिन्स कम रहेंगे, यू विल फील हेल्थियर, योर स्किन विल ग्लो। सो एवरी डे एटलीस्ट 3 liters तो पीने की कोशिश करना। सो दीज आर द 8 golden rules हाउ टू कीप किडनी हेल्थी। थैंक यू।